नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार की, जहां दलसिंह राय में डिवाइडर पर चढ़ा पुलिस वाहन, बाल बाल बचे लोग। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां हादसे का शिकार हुए ट्रक में लगी भीषण आग, और बताएंगे कि कैसे सौसर में प्रोत्साहन अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। थाना क्षेत्र के गुदरी रोड स्थित रमना गेट के सामने तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। वहीं पुलिस की गाड़ी में कोई भी पुलिस पदाधिकारी मौजूद नहीं था। ड्राइवर ने बताया कि बुलेरो गाड़ी का अगला टायर पंचर होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। वहीं घंटों दलसिंह सराय शहर गुदरी रोड का सड़क जाम रहा। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस की बुलेरो गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी, हम लोग अपने बच्चों को किसी तरह बचा सके। कुछ लोगों ने कहा कि घंटों से बुलेरो रोड पर डिवाइडर पर चढ़ी हुई है, ना लोकल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और ना ही भीड़ भाड़ वाली जगह से पुलिस बुलेरो गाड़ी को हटाकर ले जा रही है। वहीं अगर किसी आम आदमी की यह गाड़ी होती तो अब तक ना जाने कितनों के चालान कट चुके होते। बता दें कि घटना गुरुवार की रात की है। वैसे तो इस तरह की घटना हमेशा सड़क पर देखने को मिलती है, लेकिन आज खुद पुलिस की बुलेरो ही डिवाइडर का शिकार हो गई। वैसे पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस की गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने बताया कि बेगूसराय पुलिस लाइन का वाहन है, किसी काम से दलसिंह सराय वाहन से आए थे। 112 आ करके चले गए, प्रशासन की गाड़ी को प्रशासन नहीं देख रहे हैं। इससे क्या घटना हो सकती थी? आम आदमी का अगर गाड़ी रहता अभी बहुत बात हो जाता, बहुत बात। चलान काटेंगे, ये करेंगे, थाना में लेकर के चलो, फल्ला करो, चिल्ला। अब प्रशासन की गाड़ी ऐसा कर रहे हैं, इसका क्या निदान है? इसमें तो भी कुछ निदान होना चाहिए। इसमें तो आगे पीछे दोनों नंबर प्लेट भी नहीं है। मेरा बच्चा बच गया मरने से, अगर नहीं खींचते तो मेरा बच्चा मरा जाता। क्या लगता है कि ये ड्राइवर कम से कम लगभग 10 फीट से ज्यादा जो है गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ाए हुआ है? 15 फीट पर आए हैं, 15 फीट पर। मतलब पुलिस के गाड़ी से जो है घर परिवार को देखा जाता है, और जिस हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पर सामान, ये सामान है, मिठाई बता, इसमें है आदमी है, आदमी आदमी है, पुलिस पदाधिकारी कोई नहीं है ना? और वो भी हम नहीं जानते हैं इसमें है कि नहीं, भाग गए होंगे जो भी आदमी हो, भाग गए ड्राइवर छोड़ के भाग गए। कितना देर पहले ये घटना हुई? बस 15 से 20 मिनट। बिहार से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। दलसिंह सराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला। एक युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे व्यक्ति की अनुमंडल अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। बता दें कि गुरुवार की देर शाम दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर तेल डिपो के पास SH-88 पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को लगभग 30 से 35 मीटर तक घसीटता हुआ फरार हो गया, जिसके कारण बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। दोनों व्यक्ति की पहचान बेगूसराय जिला के चमथा बिशनपुर के रहने वाले दिनेश राय के रूप में हुई है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बाज बल्ले लगाकर सड़क पर बैठ गए। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर दलसिंह सराय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई है और लोगों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे दलसिंह सराय थाना अध्यक्ष राजीव कुमार रंजन पुलिस बल के साथ पहुंचकर आक्रोशित परिजनों को आश्वासन पर यातायात बहाल किया। बिहार से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां हादसे का शिकार हुए ट्रक में भीषण आग लग गई और क्रेन से ट्रक सीधा करते समय ये भीषण आग लगी है। ट्रक में भीषण आग लगने के बाद विस्फोट हो गया। वहीं ट्रक में आग लगने से नेशनल हाईवे जाम हो गया है। थानाध्यक्ष एवं उनकी टीम और फायर ब्रिगेड एवं नगर वासियों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 का है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। हमीरपुर में लकड़ी लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने चारपहिया गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। चारपहिया सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। जनपद में लकड़ी माफियाओं का आतंक जारी है। बीते कुछ दिनों पहले लकड़ी लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली थी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर रोक लगने के बावजूद हमीरपुर प्रशासन अवैध तरह से संचालित ट्रैक्टरों पर नहीं रोक लगा पा रहा है।
आपको बता दें कि बिना नंबर प्लेट अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली संचालित हो रहे हैं और नहीं पड़ रही यातायात व परिवहन विभाग की इन पर नजर। जनपद के यातायात विभाग के सीसीटीवी कैमरे शोपीस मात्र बनकर रह गए हैं और रात के अंधेरे में लकड़ी मिट्टी से लदे फर्राटा भरते नजर आते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या हुआ? हम आ रहे थे, दो ट्रैक्टर खड़े थे जी, ये आया आराम से, हम निकल रहे थे, जैसे हम आराम से गाड़ी हमारी आई, ये आया तो सीधा मारा और दोनों गाड़ी के बीच में ये पूरा गाड़ी वो बचा, हम अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में दोनों गाड़ी के बीच में वो पटपटा दी हमारी गाड़ी को। कितने लोग घायल हुए हैं कि वो हताहत हुआ? तीन आदमी थे, हमारे लगा, मामा के लगा और चच्चू उनके लगा। कोई हताहत और गंभीर रूप से घायल है? उस तरीके से गाड़ी बस पटपटा गई हमारी, दोनों से लगा, मामा के हमारे। ट्रैक्टर लकड़ी से लदा हुआ है? हाँ, लकड़ी से लदा हुआ। और भी पीछे ट्रैक्टर, तीन ट्रैक्टर थे साइड में खड़े, दो ट्रैक्टर वो भी ट्रैक्टर लकड़ी से लदे हुए, हम निकालने की अपनी कोशिश की है तो वो भाग गए दोनों, लकड़ी से लदे हुए थे दोनों ट्रैक्टर वो भी। हाँ वो भी। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या हुआ है? शुक्रवार ने भरा दी गाड़ी में, चार पांच लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर में क्या लदा है? लकड़ी लकड़ी। और कितने ट्रैक्टर हैं ऐसे? कोई हताहत हुई है? नहीं, कुछ लोग अस्पताल में हैं। कितने लोग? दो तीन लोग। ट्रैक्टर किस साइड से आ रहा था? उस साइड था। अच्छा। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। आज रंगारी सापर सावित्रीबाई पूनाजी देवतालय सभागृह में गुलशन पालियोल्स लिमिटेड बोरगांव के सौजन्य से मक्का उगाओ खुशहाली पाओ अन्न प्रोटीन हलवा खिलाओ दूध बढ़ाओ प्रोत्साहन अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी की सहप्रबंध निदेशक आरुषि द्वारा ओजस्वी भाषण दिया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों डॉक्टर विजय पराडकर, डॉक्टर गौरव महाजन, आशीष पांडे, संतोष एवं प्रदीप ने मक्का उत्पादन संबंधित जानकारी क्षेत्रीय किसान को उपलब्ध कराई। रंगारी सापर में 23 मई को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आसपास के किसानों के साथ ग्राम पंचायत रंगारी सापर 300 के आसपास की संख्या में किसान भाई उपस्थित हुए। सौसर से सीनियर संवाददाता अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।